पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। अब लोगों तक पुष्पा के परिवार का काला चिट्ठा पहुंचाना है, उस दिलीप पटेल का भयानक क्रिमिनल बैकग्राउंड, उस पुष्पा को कुर्सी से उतारने के लिए काफी है। कैसी हैं पुष्पा बहन? मैं अच्छी हूँ रुक्मणी जी, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ। न्यूज़पेपर में पढ़ा आपके बारे में, कमाल कर दिया आपने तो, पहली बॉल में सिक्सर। बॉलर ने डाला तो यॉर्कर था, मुझे क्लीन बोल्ड करने के इरादे से, पर फिर ना हमने सोचा कि जब खेल के मैदान में उतर ही गए हैं तो क्यों ना फ्रंट फुट पर आकर छक्का जड़ दिया जाए। क्या है ना, बॉलर का हौसला पहली बॉल में ध्वस्त कर देना अच्छा होता है ना? सही कहा आपने, लेकिन ये समाज सेवा का काम है, क्रिकेट मैच का नहीं पुष्पा बहन। कभी कभी छक्का लगता है तो कभी क्लीन बोल्ड भी हो सकते हैं, और हिट विकेट का भी खतरा रहता है। आप खास कर ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपने तो कभी मोहल्ला शील्ड मैच भी नहीं खेला है, पर आपको सीधा रणजी ट्रॉफी में चांस मिल गया। जी मैं संभाल कर रहूंगी, गेम के आउट होने तो आई नहीं हूं मैं यहाँ पर। वैसे आगाह करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं, चल। बहुत बड़ी खिलाड़ी है ये, पार्टी तैयार है, लेकिन बैट्समैन को कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो खुद पर, अगर सामने वाला बैट्समैन उसे रन आउट करा दे तो वो क्या ही कर सकता है। रुक्मणी के बारे में कोई बात तो आई है ना तेरे दिमाग में? तुझे तो बताऊंगी ना खोटे सिक्के, चल। सुनिए, सुनिए, वो जरा महेंद्र भाई की दुकान पे से सामान लेके आइए ना। सुनाई दिया ने? क्या? महेंद्र भाई की दुकान पे से सामान लेके आइए, जाइए। नहीं जा पाएगा बापोदरा। क्यों? 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 ओ, आप ठीक तो है ना? हाँ, एकदम। तो जाइए। अरे 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 अरे, क्या क्या हो गया आपको? आप ठीक है? हाँ? पैर, 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 अरे छुमा, क्या हुआ? दुख रहा है, दुख रहा है। ये हंस क्या रही इसमें? समझी क्या? जोश जोश में एक्सरसाइज, सिक्स पैक एब, हैं? पैक हो गए? मोहल्ले की सारी औरतें बपोदरा पे मरेगी सुसी, तब तू देखना। देख लिया सुसी ने? सुनिए, सामान, सामान। पुष्पा इम्पॉसिबल, आपको पता है मेरे स्कूल में एडमिशन हो गया। अच्छा? हाँ, आपको पता है स्कूल कितना बड़ा है? इतना बड़ा। कितना बड़ा? इससे भी बहुत बड़ा। तो इतने बड़े स्कूल में इतना सी बड़ा?
ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, नए स्कूल के लिए नई नई चीजें। ये सब मेरे लिए? और नहीं तो क्या? अरे पुष्पा बहन, इसे सर पे मत चढ़ाओ वरना ये आपको। तेरी बेटी के साथ जम गया मेरा सरिता। वैसे भी ऐसे रिश्ते यूं ही नहीं बन जाते, कारण होता है उनके पीछे। और स्वरा, ध्यान से पढ़ना, फर्स्ट आना। गेम के ज्ञान से बड़ा और कुछ नहीं है पूरी दुनिया में। ये सब भी नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं ये सब गुल्लू भैया को दिखा गया। जाओ संभाल के जाना, संभाल के जा। हाँ। पुष्पा, पता चल गया, वो डेट चेंज वाला मैसेज जिस नंबर से भेजा गया था ना, वो प्रभु का है, रुक्मणी का खास आदमी। इसका मतलब हमारा शक सही था, रुक्मणी का ही काम था वो। तुम संगीता ताई को ये बात बता दे, वो ठीक कर देगी उसे। नहीं जुगल, नहीं, इससे लंबा फायदा नहीं होगा, उल्टा रुक्मणी भड़क जाएगी और ज्यादा रोड़े डालेगी। पुष्पा, वैसे भी रुक्मणी रुकने वालों में से नहीं है, वो ज्यादा नुकसान करेगी, अपनी हरकतों से पास नहीं आने वाली है वो। मुझे पता है, सोचने दे कुछ। रुक्मणी का नंबर है तेरे पास? हाँ है ना। दे। चिराग, तुम्हें कुछ बताना था। मैंने अश्विन को एक बिजनेस प्रपोजल दिया था, उसने मना कर दिया। शायद अपने बाप के साथ बिजनेस करने में उसे शर्म आती होगी या रिस्क लगता होगा। वैसे भी आई डिजर्व इट, अपने बाप पे गर्व हो ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया और ना ही मुझ पे विश्वास हो ऐसा कोई कारण दिया है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका साथ दे सकता हूं। तुम रियली मेरे साथ बिजनेस करोगे? मेरा मानना है कि सबको सेकंड चांस मिलना चाहिए। ये दिलीप पटेल के चक्कर में चिराग ना पड़े तो बेहतर है, बापोदरा को ही रोकना होगा उसे। ठीक है। पुष्पा पटेल, बोलो। अध्यक्ष साहिबा। रुक्मणी जी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो मैं सोच रही थी क्यों ना आप हमारे घर पर, मीन्स के बापोदरा चल सायन में आ जाए। क्यों, तुम्हारे घर क्यों, रीजन जान सकती हो? जी, मेरे दिमाग में कुछ प्लान्स हैं, सोचा एक बार आपके साथ सलाह मशवरा कर लूं। आप अनुभवी कार्यकर्ता हैं और आपका जो आपके काम के प्रति कमिटमेंट है उसे देखकर हमें बहुत बल मिलता है। तो घर पर काठियावाड़ी चाय पे चर्चा करते हैं। घर बुलाकर चाय में जहर मिलाकर पिलाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? मैं ऐसा क्यों करूंगी रुक्मणी जी, आपने मेरा कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना है। ठीक है, आऊंगी। ये मीटिंग बहुत दिलचस्प होगी। खुदे से क्या ये कैसा जुगाड़ है पुष्पा? जुगल देख, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर रुक्मणी हमारे प्लान का हिस्सा बनेगी तो दो बातें करेगी, हमें उसे जानने का मौका मिलेगा, हमें ये पता चलेगा कि वो कितने पानी में है, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है, ये पता चलेगा। दुश्मन को इतना पास रखना चाहिए कि हम उस पर नजर रख सकें। ये तो रही एक बात, और दूसरी सबसे जरूरी बात, अगर हम उसे अपनी तरफ करते हैं तो हमारा उसके साथ मेलजोल बढ़ेगा,
अगर थोड़ा मान सम्मान देके उसके मन में जो हमारे प्रति इनसिक्योरिटी है वो दूर होती, फिर क्यों नहीं? मतलब तू तलवार के वार का जवाब दिमाग से देना चाहती है? नहीं, मैं दिमाग का खेल दिल से जीतना चाहती हूँ। तो कुछ भी बोल, वो हमसे ज्यादा अनुभवी तो है ही। वो बॉलिंग करके मुझे आउट करने का प्रयास करती रहे, उसे तो अच्छा है ना, उसे हम अपनी टीम में शामिल कर ले, साथ में मिलकर रन बनाए, क्रिकेट का गेम हो जाए रुकमणि के साथ, क्या बोलता है? हो जाए। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।